नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द जर्नी ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम फ्रॉम इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एरर टू टूडेज मोस्ट मॉडर्न एरा। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डिटेल आउट क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड चेंज इन कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट एरा। देखिए इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है, जब आप आंसर लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जिससे कि आप अच्छे से एक्सप्लोर करके आंसर को लिख सको। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे पूछा गया है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। इंस्पेक्शन हमारा फर्स्ट स्टेप था क्वालिटी कंट्रोल का, जब हम क्वालिटी को देख रहे थे, पीछे भी मैंने आपको बताया सेकंड क्वेश्चन में। तो ये पूछ रहा है इंस्पेक्शन से लेके टुडे मोस्ट मॉडर्न एरा यानी कि TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तक की जर्नी एक्सप्लेन कीजिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, द क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड बी डन इन फॉलोइंग वे। हम फॉलोइंग वे को देखते हैं। नंबर वन है इंस्पेक्शन। इसके कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन के भी, और आगे मैं आप बताऊंगा उसके भी। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट देख लेते हैं, प्राइमरी कंसर्न। सबसे पहले हम इसकी प्राइमरी कंसर्न देखते हैं, मतलब हम इसको क्यों लाए, हमारी प्राइमरी फोकस किस चीज़ पर रहा है इसको लाने के। यहाँ पे लिखा हुआ है डिडक्शन। किस चीज़ की डिडक्शन करता है ये, कोई भी प्रोडक्ट है हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल गया, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई या उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो उस प्रोडक्ट में देखते हैं हम कोई भी इफेक्ट है या नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट गुड है तो हम कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट है तो हम उसको ठीक करने के लिए अपनी कंपनी में ही दे देते हैं, जो कि रिपेयरिंग में होते हैं बंदे, उनको हम दे देते हैं, यानी कि उनको उस प्रोडक्ट को हम कस्टमर तक नहीं जाने देते हैं, हम पहले उसको ठीक करते हैं तब जाने देते हैं। तो इसमें यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही है, हम डिडक्शन करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट NG है या नहीं है। NG मतलब नॉट गुड। व्यू ऑफ क्वालिटी, अब हम इसमें क्वालिटी को देखते हैं, ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व की गई, कौन सी प्रॉब्लम, यानी कि जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट था हम उसको कस्टमर तक नहीं जाने देते थे, हम उसको रिमूव कर लेते थे। इन फेजिज यहाँ पे है प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक समान, कोई भी प्रोडक्ट है वो एक समान होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे होने चाहिए, सही होने चाहिए, NG नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपनी है किसी भी प्रोडक्ट को बना रही है तो हमारा जो कस्टमर होता है कंपनी के, कस्टमर तक सही प्रोडक्ट पहुँचे, यानी कि एक समानता के साथ प्रोडक्ट पहुँचे, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। मेथड्स है मेजरमेंट, मतलब हम इस चीज इसमें क्या करते हैं, मेज़र करते हैं चीज़ों को। रोल ऑफ क्वालिटी प्रोफेशनल्स, इंस्पेक्टिंग काउंटिंग एंड ग्रेडिंग। देखिए इसमें हम करते हैं इंस्पेक्टिंग मतलब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम डिडक्शन वगैरह करते हैं, और इसमें क्या चीज़ें आ जाती है, काउंटिंग वगैरह, मतलब कितने हैं, 50 है, 100 है, या काउंटिंग में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम करते हैं। फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, दी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, जो इंस्पेक्शन का जो डिपार्टमेंट होता है, इंस्पेक्शन क्या है, क्वालिटी है, क्वालिटी के अंडर में आता है, क्वालिटी का एक डिपार्टमेंट होता है, उसके अंडर में क्या आता है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट आता है, तो ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओरिएंटेशन एंड अप्रोच इंस्पेक्ट इन क्वालिटी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में हम किसको कंट्रोल करते थे, रिजेक्शन आता था उस चीज़ को हम कंट्रोल करते थे, कोई भी मशीन है हमारा उसमें प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसमें लास्ट में चेक ना करके हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते थे, जिससे कि हमें आउटपुट में रिजेक्शन ना मिले। तो जैसे ही हमें लगता था कि मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू उसको ठीक कराते थे, तो ये कंट्रोल करने का काम था यहाँ पे, हमने इस पर कंसर्न किया, प्राइमरी कंसर्न हमारा यही था क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। व्यू ऑफ क्वालिटी, ए प्रॉब्लम टू बी सोल्व, इसमें भी एक प्रॉब्लम सोल्व की गई, ठीक है, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन ना आए, कम से कम रिजेक्शन रहे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कंपनी के अंदर, कोई भी मशीन है उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, तो जैसे ही मशीन के अंदर कोई भी डिफेक्ट आता है तो हम उसको सही कराते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट इम्फेसिस, प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी विद रिड्यूस इंस्पेक्शन। देखिए इसका मतलब यही है कि जो प्रोडक्ट है वो एक समान होना चाहिए विद रिड्यूस इंस्पेक्शन, कम से कम इंस्पेक्शन के साथ। इंस्पेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सही प्रोडक्ट है हम उसको अलग रखते हैं, और जो जिसमें इफेक्ट है जिस प्रोडक्ट में हम उसको अलग रखते हैं। तो जो इफेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं उसको कम करने के लिए हम इस क्वालिटी कंट्रोल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेथड है स्टेटिस्टिक प्रोसेस कंट्रोल, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को करते हैं। रोल ऑफ क्वालिटी प्रोफेशनल,
ट्रबल शूटिंग, यानी कि ट्रबल शूटिंग का मतलब यहाँ पे होता है एक तरीके से मेंटेनेंस करना उस चीज़ को, सही करना किस चीज़ को, मशीन वगैरह को, जिस भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती है या कोई भी कंपोनेंट भी हो सकता है, किसी भी कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ को सही करना, तब मशीन के अंदर उस चीज़ को वर्किंग में लाना। हुज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, या जो मैन्युफैक्चरिंग करा रहा होता है, तो उसके अंदर ही आ जाते हैं हमारे मेंटेनेंस इंजीनियर वगैरह, जो मशीन वगैरह को ठीक करते हैं, जो रिजेक्शन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ओरिएंटेशन एंड अप्रोच, कंट्रोल इन क्वालिटी, इसकी जो अप्रोच होती है वो कंट्रोल इन क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस, प्राइमरी कंसर्न था कोऑर्डिनेशन, मतलब मिलजुल के हमें यहाँ पे सब काम करना है, जितने भी हमारा डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी का, हमें मिलजुल कर यहाँ पे काम करना है, कोऑर्डिनेट बनाना है। व्यू ऑफ क्वालिटी, ए प्रॉब्लम टू बी सोल्व प्रोडक्टिवली, मेथड्स, प्रोग्राम्स एंड सिस्टम, देखिए इसमें जो प्रोग्राम होता है, कोई भी सिस्टम वगैरह होता है, हम ये चीज़ें उसमें देखते हैं, इसके मेथड होते हैं। रोल ऑफ क्वालिटी प्रोफेशनल्स, क्वालिटी मेजरमेंट प्लानिंग एंड प्रोग्राम डिज़ाइन, देखिए इसके अंदर क्या करते हैं हम, क्वालिटी को मेजरमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं क्वालिटी की, एंड प्रोग्राम डिज़ाइन यानी कि कोई भी कंपोनेंट है हमारा, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ टेस्टिंग करते हैं। हुज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑल डिपार्टमेंट की, विद मिनिमल टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, देखिए ये ऑल डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओरिएंटेशन एंड अप्रोच, बिल्ड इन क्वालिटी, इसकी जो अप्रोच होती है वो होता है क्वालिटी को बिल्ड करना। नेक्स्ट है यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये लास्ट स्टेप होता है। प्राइमरी कंसर्न स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, व्यू ऑफ क्वालिटी एक कॉम्पिटेटिव अपॉर्चुनिटी, यानी कि कॉम्पिटेटिव मतलब कोई भी हमारे दो मोबाइल है या चार मोबाइल है, कितनी भी अलग अलग तरह की हमारी कंपनी हो सकती है, तो उसमें क्या है, एक कॉम्पिटिशन होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम मार्केट में अपना कंपटीशन बनाए रखते हैं, यानी कि हम टॉप पे रहने की कोशिश करते हैं। इम्फेसिस द मार्केट एंड कस्टमर नीड्स, हम इसके अंदर पहचानते हैं कि मार्केट में और कस्टमर में किस क्वालिटी की नीड है, किस क्वालिटी को चाहते हैं, कैमरा क्वालिटी को चाहते हैं, वीडियो क्वालिटी को चाहते हैं, या बैटरी की क्वालिटी अच्छी चाहते हैं, या टच की क्वालिटी अच्छा चाहते हैं, तो हम ये सब देखते हैं। मेथड्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, गोल एंड सेटिंग, हम इसमें गोल करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हम इसमें क्वालिटी को लेकर प्लानिंग गोल वगैरह करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी किस चीज़ पे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर किस पॉइंट पे हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। रोल ऑफ क्वालिटी प्रोफेशनल्स, गोल्स सेटिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टीम वर्क्स एंड प्रोग्राम डिज़ाइन, देखिए कोई भी कंपनी है, हमें जो वर्कर है उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें एजुकेटेड करना चाहिए, और एक टीम में वर्क करना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें होती है। हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी वन, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मैनेजमेंट एक प्रोवाइड करता है अच्छे लीडरशिप को, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को। ओरिएंटेशन एंड अप्रोच, मैनेज इन क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी का जो मैनेजमेंट होता है वो इस चीज़ को मैनेज करता है।